तो गाइस इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कल का इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड का ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा दोपहर को। तो गाइस टीम देखने से पहले चलो कुछ प्लेयर का स्टैट्स देख लेते हैं, प्लेयर का स्टैट्स क्या है। बहुत बढ़िया बैट्समैन है मैक्स ओ दाऊद, 14 मैच में 538 रन, 44 के एवरेज है। और फ्रेडर क्लासिन 13 मैच में 53 रन, 25 विकेट चटकाए। और विमिन किंगमा ये भी अच्छे बैट्समैन, अच्छे विकेट टेकर बॉलर है, 12 मैच में 13 विकेट चटकाए। और लोगन वे बिक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, 11 मैच में 177 रन, 19 का एवरेज प्लस 18 विकेट चटकाए। और नीचे विक्रमजीत सिंह ये भी अच्छे बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं नीदरलैंड के, 6 मैच में 222 रन बनाए, 37 का एवरेज इनका एवरेज है। और तेजा निदमन ये भी अच्छे बैट्समैन है, 3 मैच में 70 रन की पारी खेली है और 35 रन की इनका एवरेज है। तो गाइस ये था कुछ प्लेयर के स्टैट्स और स्कोर। यहाँ पे विनिंग चांस देख सकते हो नीदरलैंड की थोड़ा कम है 40% और इंग्लैंड का 60% का विनिंग चांस है। चलो गाइस एक बार टीम देख लेते हैं। तो गाइस मेरी एक स्मॉल लीग टीम रहेगी, इस टीम में मैं पाँच बैट्समैन ले आऊँ। मैक्स ओ दाऊद को पहले ले आऊँ, मैक्स ओ दाऊद एक अच्छे बैट्समैन है, वन डाउन बैटिंग करने आते हैं नीदरलैंड के खिलाफ। आप उनके पिछले मैच के थोड़ा रिकॉर्ड देख सकते हो, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई खेले थे जिसमें पिछले मैच में 89 की पारी खेली थी और उससे पहले 51 रन की पारी खेली थी। हर मैच में तीनों ओडीआई में कुछ ना कुछ रन बना के दे रहे थे, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और लिविंगस्टन आपको बताइएगा बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हो, प्लस विटिलिटी ब्लास्ट में देख सकते हो और आईपीएल में भी देख सकते हो। पिछले मैच में विटिलिटी ब्लास्ट में 2 रन 1 विकेट चट गया था और उससे पहले सिर्फ 1 विकेट बनाया था, पर प्लेयर बहुत बढ़िया आए। एक मैच में देख सकते हो लैंसेस्टर के खिलाफ उन्होंने 75 रन की पारी खेली थी प्लस 1 विकेट भी चट गया था, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। और जेसन रॉय भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं, जेसन रॉय ओपनिंग करने आते हैं। आप देख सकते हो पिछले मैच में उन्होंने विटिलिटी ब्लास्ट में 81 रन की पारी खेली थी, उनमें 10 4 और 3 6 भी चट गए और उससे पहले मैच में 51 रन की पारी खेली थी। प्लेयर बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और तेजा निदमन ये भी अच्छे बैट्समैन है, उनका रिकॉर्ड हालांकि नहीं दिखा रहा है पर प्लेयर बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और विक्रमजीत सिंह ये भी अच्छे बैट्समैन है, ओपनिंग करने आते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, हार्ड हिटर बैट्समैन है जैसे कि हमारे वेंकटेश अय्यर है। तो पिछले मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 54 रन की पारी खेली थी और उससे पहले उन्होंने 46 रन पारी खेली, हर मैच में कुछ ना कुछ रन बना के दे रहे थे, तो इसलिए मैं अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो वही विकेट के ऊपर में जॉस बटलर एक बहुत बड़ा पिक हो सकते हैं। आईपीएल में पिछले साल आईपीएल में उतना परफॉर्म नहीं किया था पर इस साल में हाईएस्ट रन स्कोरर थे। पिछले मैच में राजस्थान में खेले थे और 39 रन की पारी खेली थी और उससे पहले 106 रन बनाए थे,
दो या तीन बार सेंचुरी लगाए T20 में, पर प्लेयर बहुत बढ़िया है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और सैम करन का रिकॉर्ड आप देख सकते हो, ये मैच आईपीएल नहीं खेला था, पर उससे पहले उससे साल आईपीएल खेला था। पर हालांकि लास्ट दो मैच में विक्ट्री रेट बैस में थोड़ा फ्लॉप रहे थे, पिछले मैच में सिर्फ एक विकेट डक पर आउट हुए थे और उससे पहले विकेट नहीं चट गए थे, पर एक ही रन बना पाए थे। और उससे पहले मैच में 43 रन की पारी खेली थी और एक मैच में उन्होंने 69+5 विकेट चट गए थे। बहुत बढ़िया प्लेयर है मैच, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और मोइन अली चेन्नई सुपर के साथ खेलता था और पिछले विक्ट्री रेट बैस में उनका रिकॉर्ड देख सकते हो, पिछले मैच में 2 विकेट और उससे पहले थोड़ा खास नहीं परफॉर्म कर पाए थे, सिर्फ 11 रन बना पाए थे और उससे पहले उन्होंने 17+1 विकेट चट गए थे। प्लेयर बहुत बढ़िया है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। वही बॉलिंग सेक्शन में फ्रेडर क्लासिन के साथ जा रहा हूँ। क्लासिन भी अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, विकेट लेकर जाता है हर मैच में। पिछले मैच में देख सकते हो ये भी विक्ट्री रेट बैस में खेले थे, पिछले मैच में 2 विकेट और उससे पहले उन्होंने कैंट के खिलाफ 2 विकेट एक मेडन ओवर भी किया था। और रियस टॉपी ये भी विक्ट्री रेट बैस में खेल कर आ रहे हैं, तो इनका पिछले मैच में थोड़ा फ्लॉप थे, सिर्फ 8 डॉट बॉल किए थे, विकेट नहीं लिए थे, पर उससे पहले एक विकेट 8 डॉट बॉल किए थे, उससे पहले 3 विकेट चट गया था। रेस्ट ऑफ प्ले अच्छे बॉलर है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और डेड डब्ल्यू अच्छे बॉलर है प्लस बैटिंग भी करने आते हैं। आप देख सकते हो उनका पिछले मैच का रिकॉर्ड 3 विकेट चट गया था एक मैच में और उससे पहले 52+1 विकेट। प्लेयर बहुत बढ़िया है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। चलो गैस कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। तो गैस कैप्टन मेरा सैम करन रहेगा, वाइस कैप्टन लियाम लिविंगस्टन रहेगा। सैम करन अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करने आते हैं थोड़ा ऊपर, इसलिए मैं इनको कैप्टन बना रहा हूँ। प्लस लिविंगस्टन भी अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग हार्ड हिटर बैट्समैन प्लस बॉलिंग करने आते हैं, इसलिए मैं उनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो आप फ्री से ज्वाइन करके फ्री में विनिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया ऐप है, एक बार ट्राई कर लो। सो थैंक यू गैस।